और मैं कहूंगा एक ओरो फार्म मुझे अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे हमें ओरो फार्म में कुछ तेजी का माहौल दिख सकता है। उसी तरह डॉक्टर रेड्डी हो गए, डिविजन हो गए, वो भी तेज रहे हैं। तो आपको सिलेक्ट में थोड़ा सा मतलब के अभी ट्रेक कर रहा होगा, अभी ऐसा नहीं है कोई भी शेयर हाथ लगा और वो तेज हो जाएगा। आई थिंक वो भी फैक्टर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप चलेंगे और सेक्टर स्पेसिफिक चलेंगे तो तेजी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, फार्मा सेक्टर आप कह रहे हैं, और फार्मा सेक्टर में मिड कैप स्टॉक्स जो हैं फार्मा के, उसमें आप कह रहे हैं, इसमें से कोई पर्टिकुलर एक हमें अभी पकड़ना चाहिए डॉक्टर रेड्डी और अरबिंद फार्मा में से? या एलेंबिक लिमिटेड फार्मा की कंपनी है, और पिछले तो दो ढाई महीने से 125-135 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ और बहुत जल्दी इसमें एक ब्रेकआउट आने की कोशिश हो सकती है, और ब्रेकआउट आने में 135 के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद में फिर ये स्टॉक में 155 तक जाने की गुंजाइश है, तो मैं एलएमबी के लिए बाय टैक्स कर दूंगा। ठीक है, नीरव सर कह रहे हैं कि एलएमबी को ट्रैक कर सकते हैं। सर किन लेवल्स पे एंट्री होगी, करंट प्राइस पे हो सकती है, 129.50 का है? आई थिंक ले सकते हैं, लेकिन टू बी मोर प्रिसाइज 135 के बाद एंट्री करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 135 के ऊपर में एंट्री करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या लेवल्स देखे जा सकते हैं सर? 155 तक का लेवल लग रहा है। ठीक है, ठीक है, 135 के ऊपर में एंट्री करें, 155 तक के टारगेट्स के लिए एलेम्बिक फार्मा लिया जा सकता है। ठीक है, ठीक है सर। सर जब 135 पे एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? जी 135 पे एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे सर? हाँ, आप 125 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, 20 रुपए का टारगेट। ठीक है, 125 के स्टॉप लॉस के साथ में 135 पे एंट्री करें और 155 के टारगेट्स के लिए, मतलब 10 रुपए का स्टॉप लॉस और 20 रुपए के टारगेट्स के लिए इसको लिया जा सकता है। मैं जहां तक समझता हूं सर, ये छोटा ही नजरिया होगा ना, ये हफ्ते भर का? हाँ, 135 के बाद तो फिर सप्ताह 10 दिन में इसका टारगेट अचीव होगा। ठीक है, हफ्ते 10 दिन में, मतलब एक दो हफ्ते तक मैक्सिमम के अंदर में आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 135, तो कंडीशनल बाइंग है उसको ध्यान रखें, 135 के ऊपर में ही एंट्री लेनी है। सर मंगलम ड्रग्स पे आपकी राय? इसको लग सकते हैं 155 के स्टॉप लॉस के साथ 170 के ऊपर और तेज हो जाएगा, लेकिन मैं पर्सनली ये स्टॉक किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे सर्किट टू सर्किट वाला सिनेरियो है, इसके थोड़ा सा पीछे अगर चार्ट को लेके जाओगे, पूरा पीछे जाओ सर, ऑलमोस्ट 2020 वो देखो, सर्किट टू सर्किट वाला सिनेरियो है, और जब भी ऐसा होता है एक दो सर्किट अगर किसी स्टॉक्स को लग गए तो मैं वो वॉच लिस्ट से मेरे निकाल देता हूँ, भले वो अपर सर्किट हो जाए या फिर कोई भी हो जाए, क्योंकि जब लोअर सर्किट लगता है तो निकलना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने मेरे सामने कुछ क्लाइंट्स का पैसा टूटते हुए देखा है, क्योंकि ऐसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं ये स्टॉक ले लो वो स्टॉक ले लो, फिर में कोई आपके लिए समाज सेवा करने के लिए बैठा नहीं है, वो अपना माल बेचने के लिए बैठे होते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स को मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन इनका भी पोजिशन से 170 के ऊपर और तेज हो सकता है, चार्ट के ऊपर मेरे को लग रहा है, मैं पर्सनली सर्किट टू सर्किट वाले शेयर से दूर गए। ठीक है, लेकिन अभी हाल में हमारे किसी एक्सपर्ट ने दिया था, चंद्र सुराना जी ने, और उसमें अच्छा मुनाफा अभी दिख रहा है और अच्छा है ही है, वो लोग शायद वही है, लेकिन वो उनका जो विजन होता है, जो उनका व्यू होता है, वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है, तो उसमें मुनाफा लेकर के निकल जाए इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। तो नितलेश जी जो कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि ये सर्किट टू सर्किट चलता है तो थोड़ा रिस्की होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, और लंबा रुकने के लिए नहीं सब इसको कंसिडर करना चाहिए। नितलेश जी, मेरे को चलते चलते बस आप एक कम समय में मेरे को ये बताइए, फार्मा सेक्टर में या मिड कैप फार्मा में अगर हम बात करें, वहां पे कैसा दिख रहा है, या कोई ऐसा स्टॉक है जो आप ट्रैक कर रहे हैं मिड कैप फार्मा में एक शॉर्ट टर्म के लिए? सर एक मार्सल फार्मा है, वो एक्चुअली मैंने 30 रुपीज के आसपास खोला है इसको, तो मैं इसको देख रहा हूँ कि कैसे परफॉर्म करेगा, जैसे वो 97 रुपीज के ऊपर ये चलना चालू कर दिया 97 रुपीज के ऊपर, तो एक बार इसमें पोजीशन बना के जा सकते हैं, और जो पहला टारगेट आएगा
वो 120 से लेके 125 रुपए का टारगेट होता है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 97 रुपीज के ऊपर 90 रुपीज 7 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में भी जो टारगेट प्लान करूंगा वो होगा 120 से लेके 125 रुपए। ठीक है, ये है मैं मिड कैप फार्मा में से मार्क्सन फार्मा को वॉच कर रहे हैं। 97-98 के ऊपर निकलेगा तब एंट्री करनी है और वही इसका 52 वीक हाई है तो वो जब उसको क्रॉस करता है तो इसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ, अच्छी मजबूती, अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा तो एंट्री करने का मौका होगा। संतोष सर एक चीज बताइए मुझे कि हम कुछ एक एनालिस्ट हमारे शो पे आए थे और वो इस समय काफी बुलिश है मिड कैप फार्मा को लेकर के, आपको लगता है कि नेक्स्ट जो मूवमेंट आएगा या उसको लीड करने के लिए अगला जो सर्कुलेशन होता है, जो चेंज ऑफ अलग अलग सेक्टर्स होता है, उसमें मिड कैप फार्मा कुछ एक मेजर रोल प्ले कर सकता है? ये फार्मा कंपनियां तो अच्छा कर रही हैं इन दिनों क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन है, उसमें भी अच्छा किया है इन्होंने। थोड़ा एलर्जी में मेरी फार्मा की समझ थोड़ी कम है क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स बास्केट है ये, आपने देखा होगा मैं जल्दी फार्मा के स्टॉक्स आपको कभी जल्दी रिकमेंड नहीं करता, केमिकल और फार्मा थोड़ा दूर रहता हूँ इससे, बहुत कॉम्प्लेक्स बास्केट है और काफी ज्यादा इनके इंटरनेशनल कह लें प्राइसिंग है इसमें और बहुत सारी चीजें हैं होती हैं इसमें और ओवरनाइट न्यूज के कारण बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस भी होते हैं। तो मैं बहुत ही कम चुनिंदा कभी कभी कुछ हॉस्पिटल जरूर मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि काम अच्छा किया है उन्होंने तो, और उसमें जो नई लिस्टेड कंपनी है किम्स बोल के वो काफी अच्छी है, मिड टायर टायर वन टायर टू सिटीज में है तो मुझे वहाँ दिख रहा है कि वो लोग काफी अच्छा कर रहे हैं कंपेयर टू जो कह ले कि अपोलो है या मेट्रोपोलिस है, उन लोगों से अच्छा कर रही है, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं कंपनी के। और पैन इंडिया उनका अभी प्लान नहीं है क्योंकि पैन इंडिया वो अभी कंपनी देख नहीं रही कि हम ग्रो करेंगे, लोकल और रीजनल प्ले है और धीरे धीरे ग्रो कर रही है कंपनी, वो वहाँ पर थोड़ा जो जितनी मेरी समझ है मैं वहीं पे दे सकता हूँ राय आपको। नहीं ठीक है, और वो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ उसको।